नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि काइनेमेटिक चेन, शुद्ध गति की चेन, मैकेनिज्म, यंत्र विन्यास एंड देयर इन्वर्जेंस और उसके उत्क्रमणीय क्या होते हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात विद्यार्थी समझ सकेंगे और एग्जामिन कर सकेंगे कि शुद्ध गति की चेन, मैकेनिज्म, यंत्र विन्यास या क्या है। उसमें जो की कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं वो है काइनेमेटिक चेन, शुद्ध गति की चेन, मैकेनिज्म, यंत्र विन्यास, इन्वर्जेंस, उत्क्रमणीय। आप पुनः मेन वीडियो फोक्स URL को कॉपी पेस्ट करके न्यू लिंक में भी, न्यू ओपन विंडो में भी देख सकते हैं, साथ साथ यहां से भी देख सकते हैं। यह वीडियो कॉमन क्रिएटिव के अंतर्गत गगन वत्सल के द्वारा बनाया गया है। काइनेमेटिक चेन के लिए आप 14 मिनट 30 सेकंड से 17 मिनट 20 सेकंड तक इस वीडियो को 2 मिनट 50 सेकंड के लिए देखें। मैकेनिज्म के लिए 17 मिनट 20 सेकंड से 17 मिनट 40 सेकंड तक 20 सेकंड के लिए देखें तथा इन्वर्जेंस के लिए 17 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 19 मिनट तक कुल अवधि 1 मिनट 20 सेकंड के लिए देखें। पूर्व में हम 14 मिनट 20 सेकंड तक का वीडियो देख चुके हैं। हम 14 मिनट 30 सेकंड से 19 मिनट तक के लिए कुल अवधि 4 मिनट 30 सेकंड के लिए हम इस वीडियो को देखें। हमने पूर्वी क्लास में क्या अध्ययन किया। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट काइनेमेटिक लिंक, पेयर एंड जॉइन। अब हम शुरू करते हैं काइनेमेटिक चेन या शुद्ध गति की चेन की परिभाषा से। शुद्ध गति की चेन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स एंड जॉइंट्स। शुद्ध गति की युगल और जॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो काइनेमेटिक चेन है। इसका सोल पर्पज है ट्रांसमिट कंप्लीटली या सक्सेसफुली रिलेटिव मोशन। ये इसकी परिभाषा है। हम किस प्रकार से चेक करें कि ये काइनेमेटिक चेन है, इसके लिए इट शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर वन, एल इक्वल्स टू 2p-4 और दूसरी इक्वेशन है एल इक्वल्स टू 2/3 j+2। यहाँ पर n नंबर ऑफ लिंक्स हैं और p नंबर ऑफ पेयर्स हैं और j नंबर ऑफ जॉइंट्स, लिंक, पेयर एंड जॉइंट। यदि हमारी कोई भी काइनेमेटिक चेन इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करती है तभी वह काइनेमेटिक चेन होगी। सामान्यतः चार लिंक वाली चेन हमारी काइनेमेटिक चेन होती है। यदि हम यहाँ L की जगह पर 4 रखें, P की जगह पर 4 रखें तो ये समीकरण संतुष्ट होती है, या L की जगह पर 4 और जॉइंट की जगह पर 4 रखें तो भी ये संतुष्ट होती है, जबकि 3 या 5 या 2 या 1 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं होती। अतः न्यूनतम 4 लिंक होने पर यह हमारी काइनेमेटिक चेन कहलाती है। न्यूनतम का अर्थ 4 लिंक, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 5 लिंक होगी तो वो भी उसके लिए हमें देखना होगा कि वह लिंक, पेयर और जॉइंट का कॉम्बिनेशन इन समीकरणों को संतुष्ट करे। यदि संतुष्ट नहीं करता है तो फिर क्या होता है, इस बारे में आप देखें कि यदि लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ लिंक बराबर राइट हैंड साइड है तभी वह कंस्टेंट काइनेमेटिक चेन बनती है। यदि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड से तो वह लॉक चेन कहलाती है, जबकि यदि लेफ्ट हैंड साइड छोटा है राइट हैंड साइड से तो वह अनकंस्टेंट काइनेमेटिक चेन कहलाती है। ये काइनेमेटिक चेन के प्रकार हैं। दूसरे आधार पर हम प्रकार को बदल सकते हैं, टाइप्स ऑफ पेयर, युगल कौन से, उसके आधार पर भी हम काइनेमेटिक चेन को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें पहला है 4-bar काइनेमेटिक चेन, जिसमें कि सारे 4 पेयर्स टर्निंग पेयर्स होते हैं। ये सिंपलेस्ट मैकेनिज्म कहलाता है 4-bar काइनेमेटिक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, इसमें आप नाम के अनुसार समझ रहे हैं सिंगल स्लाइडर मतलब इसमें एक पेयर स्लाइडिंग पेयर होगा, जबकि तीसरा जो है वो है डबल स्लाइडर काइनेमेटिक चेन, जिसमें कि दो पेयर आपके स्लाइडिंग पेयर होंगे, बाकी के वो टर्निंग पेयर। इस तरीके से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पेयर के आधार पर हम काइनेमेटिक चेन को बोल सकते हैं 4-bar, सिंगल स्लाइडर या डबल स्लाइडर। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की परिभाषा बहुत सिंपल है। When one of the link of kinematic chain is fixed, 4-bar chain में यदि हम एक लिंक को फिक्स कर देंगे तो हमें
टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स। यदि नंबर ऑफ लिंक चार है तो उसको हम साधारण या सिंपल मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, यदि चार से ज्यादा है तो कंपाउंड मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन के आधार पर यदि हम फोर बार काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को फिक्स करें तो वो फोर बार मैकेनिज्म होगा। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के एक लिंक को हम फिक्स करें तो वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होगा। इसी प्रकार डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के एक लिंक को हम फिक्स करें तो वो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इस मामले में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये काइनेमेटिक चेन है जिसकी की एक लिंक फिक्स है। ये मैकेनिज्म के बारे में हुआ। अब हम बात करते हैं कमिंग या इन्वर्जन के बारे में। इसमें आप देखें कि चूंकि हमने देखा काइनेमेटिक चेन फोर बार है, उसमें हमारे पास चार लिंक। यदि हम इन चार लिंक में से वन बाय वन डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करते जाएं तो हमें डिफरेंट मैकेनिज्म या यंत्र विन्यास मिलेंगे। इन्हीं को हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म कहते हैं। इसका ये भी हुआ कि यदि हम फिक्स लिंक को चेंज करते जाएं तो हमें उतने ही नंबर ऑफ यंत्र विन्यास मिलेंगे जो कि नंबर ऑफ लिंक के बराबर। ऑल अदर मैकेनिज्म हमने देखा कि फोर बार मैकेनिज्म में चार हमारे पास मैकेनिज्म मिल रहे हैं। इसमें ओरिजिनल मैकेनिज्म हमारा जो होगा वो कहलाएगा फोर बार मैकेनिज्म, बाकी तीन दूसरे जो है वो इन्वर्जन ऑफ फोर बार मैकेनिज्म या ओरिजिनल मैकेनिज्म के नाम से जाने जाएंगे। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म की एक खास कंडीशन है कि उसमें मोशन ऑफ लिंक रिलेटेड टू ईच अदर परिवर्तित। प्रकार से हमने इन्वर्जन के बारे में जाना कि इन्वर्जन में हमें वन बाय वन फिक्स करते जाना है, हमें डिफरेंट इन्वर्जन्स मिलेंगे और उस इन्वर्जन्स में जो मोशन ऑफ लिंक रिलेटेड टू ईच अदर है वह परिवर्तित नहीं। यहाँ पर हम कुछ देखिए कॉमनली जो हमारे पास एप्लीकेशन है इन्वर्जन्स की। सबसे पहले फोर बार मैकेनिज्म। फोर बार मैकेनिज्म में पहला हमारा जो इन्वर्जन हमको मिलता है फोर बार मैकेनिज्म का वो होता है कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। इसके बाद में दूसरा हमको जो मिलता है वो होता है बीम इंजन। तीसरा हमको मिलता है पेंटोग्राफ और चौथा मिलता है हमें वॉट मैग। इसी प्रकार हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन देखें, पहला होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन या कंप्रेसर, रोटरी इंजन या विद्वत रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्यूआरएम मैकेनिज्म और अंत में हैंड पंप। अब हम डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन के नाम जाने तो पहला है एलिप्टिकल ट्रेमल, दूसरा है स्काचियो मैकेनिज्म, तीसरा है होल्ड हिप कपल। इस प्रकार से हमने अभी इस लेक्चर में जाना कि काइनेमेटिक चेन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है और इन्वर्जन को इस प्रकार मिलते हैं। अंत में इस वीक के अंत में जो हमने शुरुआत की थी कि मशीन और लिंक किस प्रकार से कनेक्टेड है, अब हम जान गए हैं कि सर्वप्रथम काइनेमेटिक लिंक्स होती हैं जिनके संयोजन के द्वारा हमें काइनेमेटिक पेयर्स बनते हैं। काइनेमेटिक पेयर्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बनाता है काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को यदि हम फिक्स कर दें तो हमें मैकेनिज्म और वन बाय वन दूसरे लिंक को फिक्स करते जाएं हमें इन्वर्जन्स मैकेनिज्म और इन्वर्जन्स मिलते हैं और यही मैकेनिज्म मिलकर के एक मशीन बनाते हैं। इस प्रकार आपने इस वीक में जाना कि मशीन किस प्रकार से बनती है, काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक चेन, मैकेनिज्म और या इन्वर्जन्स। नेक्स्ट वीक में श्री मनीष भिड़े सर आपसे डिस्कस करेंगे कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और उसके